1983 की फिल्म सुबह कामना में एक कॉमेडी सीन है जिसमें अभिनेता पेंटल विभिन्न प्रकार की उपाधियां बेचते हुए दिखाई देते हैं, पर अभिनेता असरानी के साथ जो कलाकार हैं, उन्हें तो बस सिर्फ एक अवार्ड चाहिए, भारत रत्न। डायलॉग का इस्तेमाल किए बिना दर्शकों का मनोरंजन करने की खास बात इस कलाकार में थी। ऐसे न जाने कितनी सारी फिल्में थी जिनमें इस कलाकार ने उत्कृष्ट अभिनय दिखाकर 80 का दशक यादगार बना दिया था। आज के दौर में उस कलाकार की एक फिल्म हमेशा टीवी पर आती है, गोलमाल। इस फिल्म में जहां अमोल पालेकर के अभिनय से नजर हटती नहीं, वहीं कुछ दर्शक उत्पल दत्त के यादों में खो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस इंसान ने गोलमाल से भी अधिक अच्छी फिल्में की थी जो शायद ही कोई चैनल दिखाता होगा। जी हाँ, मैं अनामिका आपको सुना रही हूँ कहानी उत्पल दत्त साहब की। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। हमेशा की तरह आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे, पर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि आपका साथ हमारे लिए मूल्यवान है। उत्पल दत्त ऐसे इंसान थे जो अपनी कड़वी जुबा के लिए भी जाने गए। ऐसा कुछ बोल देते कि सरकार को उन्हें जेल भेजना पड़ता था। दर्शकों को ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं, वो बस सरकार के गलत फैसलों पर टिप्पणियां किया करते थे जिससे उस वक्त की कांग्रेस सरकार चिढ़ जाती थी। उसके अलावा वे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन अर्थात IPTA के फाउंडिंग मेंबर भी थे। आपको जानकर हैरानी हुई कि जिस संस्था को बनाने में उत्पल दत्त ने खून पसीना एक किया, उसी IPTA ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। उस वक्त भी वे जोक मारते हुए बाहर निकले थे। ऐसा भी नहीं कि उत्पल दत्त का ये स्वभाव था, बल्कि उन्हें राजनीति की गंदी नब्ज का अंदाजा आ चुका था। जो व्यक्ति अन्याय देखकर चुप बैठ जाते, ऐसे व्यक्ति से वो चिढ़ जाते थे। शशि कपूर साहब की पत्नी के पिताजी का थिएटर ग्रुप हुआ करता था, इसमें उत्पल दत्त काम करते थे। यहाँ रहकर उन्हें महसूस हुआ कि इस थिएटर से दर्शकों को क्या फायदा हो रहा है। मनोरंजन के अलावा सामाजिक क्रांति और सच्चाई की मुहर दर्शकों के दिल और दिमाग पर लगनी चाहिए, ऐसा उत्पल दत्त का मानना था। आगे की बात भी बताऊंगी, पर उससे पहले उत्पल दत्त के प्रारंभिक जीवन पर नजर डाल लेते हैं। इनका जन्म 29 मार्च 1929 को अविभाजित भारत के बारिसाल में हुआ, पर उनका बचपन शिलोंग के हिल स्टेशन में बीता। यहीं उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी ली। उनके पिताजी का नाम गिरिजा रंजन और माँ का नाम शैला बला था। घर की आर्थिक हालत सही थी, इसीलिए उन्हें उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता भेजा गया, जहां उन्हें थिएटर से जुड़ने का मौका मिला। बड़े ही कम आयु में उन्होंने एक्टिंग में दिलचस्पी दिखाई। शुरुआती दिनों से वे विदेशी नाटकों के दीवाने थे। शेक्सपियर जैसे नाटककार से उत्पल दत्त प्रभावित थे। इसके अलावा वे अंग्रेजी भाषा के जानकार भी थे, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्लेस को पढ़ने का मौका उन्हें मिला। कम उम्र में उन्हें पता चला कि नाटक सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है, नाटक और समाज सेवा एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। एक हद तक देखा जाए तो उनके विचार सही थे, क्योंकि आम जनता अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज उठाती नहीं, क्योंकि उनके विचारों का दायरा वहां तक फैला नहीं होता जितना एक लेखक का फैला होता है। इस परिस्थिति में नाटककारों को कहानी में असली सच्चाई दर्शकों को दिखानी चाहिए। पढ़ाई के बाद उत्पल दत्त ने थिएटर ज्वाइन किया और नाटकों में अभिनय करने के अलावा स्क्रीन प्ले भी लिखने लगे। अंगार और कल्लोल जैसे चर्चित नाटकों के कारण उस वक्त की सरकार के कान खड़े हो गए। उस वक्त भारत चीन का युद्ध भी चल रहा था, ऐसे में सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया। जेल में भी वो सामाजिक इम्बैलेंस पर टीका करते थे और अन्य कैदियों का भी मनोरंजन करते थे। 6 महीने बाद जेल से रिहाई मिली और तुरंत बाद नक्सलवादी का मुद्दा उठा लिया। 70 के दशक में बंगाल नक्सलवाद से परेशान हो चुका था, ऐसे में उत्पल दत्त के नाटक नक्सलवादियों के मुद्दे पर आधारित होते थे, इसलिए कारण देखकर उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारत का हित का कारण देते हुए आनी बानी लगा दी।
इस इमरजेंसी में एक्टर्स और आम जनता का जीवन पूरी तरह से बर्बाद होने लगा था, क्योंकि राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच का नामो निशान मिटा दिया था। ऐसे में उत्पल दत्त के नाटकों पर सरकार बैन लगा देती थी। एक अभिनेता का जीवन थिएटर और फिल्मों के सहारे चलता है और आमदनी भी वहीं से होती है। ऐसे में उत्पल दत्त को पैसे की कमी होने लगी, इसीलिए उन्होंने अपना रुझान मुंबई की तरफ कर लिया। महान फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी और सत्यजीत रे साहब उत्पल दत्त के कला को अच्छी तरह से समझते थे, इसीलिए उनकी फिल्मों में उत्पल दत्त दिखाई देने लगे। 1979 से 1983 तक ऋषिकेश मुखर्जी साहब की 3 फिल्मों के लिए उत्पल दत्त को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। रंग बिरंगी, नरम गरम और गोलमाल, मृणाल सेन की बहुचर्चित भुवन सोम के लिए उत्पल दत्त को नेशनल अवार्ड भी मिला था। इतनी बातें बताने के बाद भी हमारे दर्शकों के मन में एक सवाल आया होगा कि ऐसे व्यक्ति को किसने फिल्मों में लाया होगा। वो व्यक्ति थे मधु बोस। 1950 के जमाने में वे माइकल मधुसूदन नामक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म के लिए उन्हें ऐसा ही मार्क्सवादी एक्टर चाहिए था। उस वक्त उत्पल दत्त शेक्सपियर द्वारा लिखा हुआ ओथेलो इस नाटक में काम कर रहे थे। हमें जानकारी तो नहीं, पर कहा जाता है कि उत्पल दत्त ने कॉमेडी किरदार निभाने के पहले खलनायक के किरदार भी निभाए थे। अगर आपको इस पर जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बतौर कॉमेडियन उत्पल दत्त की गुड्डी फिल्म भी प्रसिद्ध थी। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी कॉमेडी फिल्मों में काम कर लिया। अपने जीवन के अंतिम सांस तक वो थिएटर से जुड़े रहे और सामाजिक बातों की वकालत करते रहे। 1960 के जमाने में ही उनकी शादी सोवा सेन से हुई, जिनसे उन्हें एकमात्र बेटी विष्णु प्रिया दत्त हुई। अपने जीवन में 260 फिल्मों में काम करने वाले और बंगाली थिएटर को आयाम देने वाले उत्पल दत्त ने 19 अगस्त 1993 के दिन आखिरी सांस ली। What the theater means to me, for the last 40 years, it has meant a weapon of political propaganda to me. And I've used it like that. However, we have to keep in mind that in order to be effective political propaganda, it has to be popular. It has to reach as many people as possible, especially in a country like ours where most people can't read or write. People who matter, that is. And theater is can easily build a bridge between us and them. They cannot read, but they can always watch a play. And they can hear the dialogue. So theater has to be popular. And this dangerous tendency all over the world, a trend has come up, intellectualizing the theater. And it has invaded our country too, and I think it's a bloody waste of time. Because all you do is to drive more and more people out of the theater. And theater in isolation from the masses is a contradiction in terms. It means nothing. तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।